जैसा कि अभी हमने व्यवस्थित आंकड़े का सूत्र बताया, अब हम स्क्रीन पे देखेंगे उस सूत्र का कैसे मान रखते हैं। तो PR32 बराबर, अगर PR32 निकालना था जो हमें, तो उसके अनुसार 100/N/FC प्लस, इसको PR भी लिख सकते हैं क्योंकि 32 निकालना हमें, तो 32 भी लिख सकते हैं, -L/I/F। तो इसके बारे में बता दिया कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो FC जो होता है हमारा, जो हमारा प्रप्तांक, जो वर्गांतर है, वर्गांतर जो आ रहा हमारा 32-35 के बीच में आ रहा है, तो उसके ठीक नीचे वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति FC कहलाती है। तो नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति हमारी क्या है, 44 है। और अगर इसकी एग्जैक्ट लिमिट L पूछी जाए तो 29.5 जो कि हमारी L है, और F पूछा जाए तो उसी वर्गांतर की आवृत्ति लिखनी है जिसमें 32 पड़ रहा हो, तो 32 में पड़ रहा, तो F ये हो गया हमारा। N दिया गया है और I इनका वर्ग इसका, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसलिए एक ही जगह काउंट करेंगे, तो 35, 36, 37, 38, 39, 40 को काउंट नहीं करेंगे, या 35 काउंट नहीं करेंगे तो 36, 37, 38, 39, 40, क्योंकि 35 यहाँ भी दिया गया है तो 5 ही आता है। तो I बराबर हमारा 5 है वर्गांतर, तो हमने लिख दिया सारी चीज़ें। N बराबर 54, FC बराबर 44, L बराबर 29.5, F बराबर 6 और I बराबर 5। अब इस इन सभी का मान सूत्र पे रख देना है, इस वाले सूत्र पे। तो हमने रखा 100/N, मतलब 100/54, FC बराबर जो दिया गया 44 प्लस 32 माइनस L 29.5 है, और I जो दिया गया 5 है, और F बराबर जो दिया गया इसका वो 6 है। तो 100/54 44 ये मान है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 माइनस 29.5 को घटाएंगे तो 2.5 आएगा, 5 दिया गया है गुणे 6। 100/54 बट ब्रैकेट में 44 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25×6=150 होता है तो 15.0 आएगा, तो 2.5×6/5 लिख सकते हैं इसको। यहाँ हमने साल भी किया 100/54, अंदर इसको साल करते हैं तो 44 प्लस 50.0 लिखा हुआ है ये, तो इसको काटेंगे तो 0.5 का कोई महत्व तो नहीं होता, इसको काटा 5×15 हो गया, तो आया 100/54 44 प्लस 3 बराबर 47 हो जाता है। तो 100+54 बराबर 47, और 54 से 100 में डिवाइड किया तो आता है मान 1.85, और ये 47 जो आपका 44+3 जो था इसको आप काउंट किया था हमने तो 47 आया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, गुणा किया हमने तो 86.95 समथिंग कुछ आगे भी आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको PR32 बराबर 87। तो PR32 कितना निकला इसका, 87 आपका PR32। इस तरह हम लोग प्रतिशतांक कोटि ज्ञात कर सकते हैं जब व्यवस्थित आंकड़े होंगे। ओके, धन्यवाद।